साथियों, एक विधायक बाहुबली, बाहुबली पिता, बाहुबली माता और बाहुबली विधायक। विधायक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, विधायक अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी है, विधायक के माता पिता एक लड़की के कत्ल में सजा भोग रहे हैं, जेल में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमर मणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी के सुपुत्र, सुपुत्र अमन मणि त्रिपाठी। अमन क्या होता है? अमन शांति, शांति का मतलब सुख, सुख और शांति नाम जरूर है इनका, मगर अमन पसंद ये कितना है ये पता चल गया जब इन्होंने हमारे ग्रीन जोन में प्रवेश किया और वहां जाकर हमारे एसडीएम से बदतमीजी करी, जब उन्होंने उनकी चेकिंग करने की कोशिश करी, जब उन्होंने उनका थर्मल स्कैन करने की कोशिश करी। तो ऐसे एसडीएम को बहुत बहुत अभिवादन उनका, और उनको मैं बताना चाहती हूँ कि पूरा राज्य आप पर गर्व करता है, मुझे आप पर बेहद गर्व है। आपने अपने कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण किया, आप डरे नहीं, आप पीछे नहीं हटे, परंतु आप सौम्य तरीके से बात करते रहे विधायक महोदय के साथ, जो आपके साथ बताया जा रहा है ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे थे, परंतु आप अपनी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, परंतु ये विधायक हमारे उत्तराखंड में ग्रीन जोन में गया, इसने लॉकडाउन के सख्त नियम जो पूरे देश में लागू है उनका उल्लंघन किया। इसने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, महामारी एक्ट के जो नियम है, जो कानून है, उसका उल्लंघन किया। इन पर मुनि की रेती थाना में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, बहुत सीरियस धाराओं में हुआ, परंतु इनकी अरेस्टिंग करके इन्हें बेल देकर इन्हें छोड़ दिया गया। ये आए थे उत्तराखंड और इनके पास जो चिट्ठी थी हमारे एसीएस ओम प्रकाश जी की तरफ से, ये बताती थी कि ये पितृ कर्म करने आए हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ के दो भाई और भी हैं, और उनमें से महेंद्र बिष्ट कह चुके हैं कि हम तीन भाई हैं, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है हमारे पिता के लिए पितृ कर्म करने के लिए। और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस ने भी कह दिया है कि उन्होंने कोई ऐसा ना तो निर्देश दिया ना ऐसा कुछ कहा था अमन मणि त्रिपाठी से कि वे बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं और उनका नाम इस्तेमाल करें। ये अपमान के साथ साथ अपराध भी है कि आप दूसरे के नाम का मिसयूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि हमारे उत्तराखंड में इनकी अरेस्टिंग करके इन्हें छोड़ दिया गया, परंतु बिजनौर के जो थाने ने इनकी अरेस्टिंग कर ली। जी हाँ, इनकी अरेस्टिंग कर ली, पर मैं आपको ये तस्वीरें तो दिखा दूंगी, लेकिन सवाल ये नहीं है। देखिए ये तस्वीरें। तो देख लिया आपने किस प्रकार से इनको अरेस्ट कर लिया गया है बिजनौर बिजनौर पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस। नियम का उल्लंघन बताया जा रहा है, उसमें माननीय को अरेस्ट कर लिया गया। उत्तराखंड की पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करके छोड़ दिया, कौन सा दबाव होगा? क्योंकि मैं मानती हूं कि पुलिस वाले वो करते जो सही था, और वे इनको अवश्य अरेस्ट करके लॉकअप में रखते कुछ समय के लिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि माननीय के तार जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी एसीएस ओम प्रकाश जी के साथ। ओम प्रकाश जी ने
तीन जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए एक पत्र दिया था अमन मणि त्रिपाठी को, जिसमें लिखा गया था कि अमन मणि त्रिपाठी जो है 11 और लोगों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पिताजी के पितृकर्म के लिए, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लॉकडाउन के समय में आम जनता के लिए कानून अलग, वाह भाई वाह। आम जनता अगर जाती है चमोली अन्य जिलाओं से भी तो भी उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है, उनकी थर्मल स्कैनिंग करी जाती है। उसी प्रकार से बद्रीनाथ जहाँ ये जा रहे थे वहाँ के कपाट अभी खुले नहीं हैं, और बद्रीनाथ जी जो हैं उनके बद्रीनाथ जी के रावल अभी ऋषिकेश में क्वारंटीन है, तो ये किस अधिकार से जा रहे हैं? यही फर्क है अमीरी और गरीबी का मेरे देश में, और यही होती है सत्ता की, है ना मुख्यमंत्री जी? आपका दामन यदि साफ है तो ओम प्रकाश ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, इनके विरुद्ध कार्रवाई कब होगी, इनके विरुद्ध FIR दर्ज कब होगी? वक्त आ गया है कि आप अपनी पोजीशन को क्लियर करें और एक FIR दर्ज करवाएं इनके विरुद्ध, ताकि दोबारा से कोई भी ब्यूरोक्रेट इस तरह की हिमाकत करने की हिम्मत ना करे, वरना तो प्रदेश यही समझेगा, राज्य यही समझेगा कि राज्य आप नहीं चला रहे ये चला रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि ये चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए ACS को उनके पद से इमीडिएटली हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और इनके विरुद्ध एक FIR दर्ज करी जाए और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करी जाए।